नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर हो रही पोस्टर पॉलिटिक्स अब यूपी की राजधानी लखनऊ से निकलकर बिहार की राजधानी पटना में भी दाखिल हो गई है। इस पोस्टर पॉलिटिक्स में जहां पिछले महीने किसी को टोटी चोर करार दे दिया गया था, तो वहीं अब एक नए पोस्टर की एंट्री पटना की सड़कों पर हो गई है, जिसको लेकर बिहार का सियासी बाजार भी चर्चा के रूप में गर्म हो गया है। इस बार की बिहार पॉलिटिक्स में जो पोस्टर पॉलिटिक्स हो रही है, उसमें भोजपुरी का इस्तेमाल करते हुए अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को जीतकर विपक्ष में बैठने वाले नेता प्रतिपक्ष को अभी से बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की अपील कर दी गई है। क्या है इस पोस्टर पॉलिटिक्स की पूरी कहानी, जानिए इस रिपोर्ट में। बिहार में जहां भाजपा के बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर सुगबुगाहट होने लगी है और साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस नारे को लेकर भाजपाइयों को मवाली तक करार दे दिया है, तो वहीं अब इसे लेकर यूपी की तरह ही बिहार में भी पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। यूपी में जहां सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर सपा की ओर से कभी जुड़ेंगे तो जीतेंगे, कभी 27 का सत्ताधीश, कभी मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी, कभी टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे और हारेंगे तो टालेंगे, तो कभी कांग्रेस की ओर से न बटेंगे न कटेंगे, एक हैं और एक रहेंगे, बटेंगे तो गैस सिलेंडर 1200 रुपए में मिलेगा, एक होंगे तो 400 रुपए में मिलेगा, जैसे तमाम पोस्टर यूपी की सियासी मार्केट में घूम रहे हैं, तो वहीं अब बिहार की राजधानी पटना में भी सीएम योगी की तरफ से दिए गए और भाजपा द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर पोस्टर पॉलिटिक्स खेली जा रही है। दरअसल बिहार की राजधानी पटना में आरजेडी के प्रदेश कार्यालय के गेट नंबर 2 पर एक पोस्टर लगाया गया है, जिसके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को 2025 में मुख्यमंत्री बनाने की बात कही जा रही है। यूथ आरजेडी के प्रदेश महासचिव प्रेम कुमार यादव द्वारा लगाए गए इस पोस्टर में आरजेडी नेता व नेता प्रतिपक्ष व पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई देने के साथ ही उनके सीएम बनने की बात कही जा रही है। पोस्टर पर लिखा है कि जुड़े के बाद जीते के बाद 2025 में नियुक्ति मैन तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनावे के बाद। वहीं इस पोस्टर पर भाजपा की ओर से प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव और साथ ही आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर करारा हमला बोलते हुए भाजपा ने प्रतिक्रिया पूरी तरीके से दी है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि अपने समर्थकों से सड़कों पर पोस्टर लगवा लेने से और सिर पर लगी टोपी पर लिखवा लेने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन जाता है, किसी को भी मुख्यमंत्री राज्य की जनता बनाती है। वहीं पोस्टर में तेजस्वी यादव को नियुक्ति मैन बताए जाने पर अरविंद सिंह ने कहा कि नियुक्ति मैन लिखने से नहीं होता है, बल्कि नियुक्ति देना पड़ता है। वहीं इसके साथ ही बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि बिहार में भारी संख्या में नियुक्ति देकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इतिहास रचा है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी और लालू परिवार ने भ्रष्टाचार किया है। लालू अपने परिवार की ही नियुक्ति करने में देश में सबसे आगे हैं। परिवार में कौन मुख्यमंत्री और कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, वहीं उन्होंने कहा कि बड़े भाई को निपटाकर छोटे भाई को कैसे सीएम बनाएं, इसके लिए आरजेडी जानी जाती है। इस समय बिहार में उपचुनाव का माहौल है और इस उपचुनावी माहौल में फिर से शुरू हो चुकी है पोस्टर पॉलिटिक्स, जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का क्रम लगातार जारी है। आरजेडी की ओर से लगाए गए पोस्टर पर भाजपा की तरफ से किए गए प्रहार को लेकर अब तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी क्या प्रतिक्रिया देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और खबर किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए और बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।